पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में ये जो मैच हुआ, इसमें एक ऐसी टीम जीती है जिसने सबसे ज्यादा कम गलतियां किए। हालांकि दोनों ही टीम्स हारने के लिए खेल रहे थे, इस तरह का लगा ये मैच क्योंकि दोनों ही टीम से गलतियां हुई। जिस टीम ने सबसे ज्यादा कम गलतियां की वो टीम जीती है, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। पहली बॉल पे ही एज लगाया था ट्रेविस हेड ने, वहां पे अपील हुई थी, शिखर धवन ने रिव्यू नहीं लिया और वहां पे ट्रेविस हेड को जीवन दान मिला, लेकिन वहां से एक बड़ा स्कोर नहीं बना। हरदीप सिंह, कगिसो रबाडा, इन्होंने बहुत अच्छी पावर प्ले में बॉलिंग के साथ ही सैम करन को भी विकेट मिले। पूरी तरह से प्रेशर बना के रखा था सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर, 44-3 था पावर प्ले स्कोर, लेकिन वहां पे आए नंबर 4 के ऊपर नीतीश रेड्डी, 64 की पारी खेले 37 बॉल्स में। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि 150 बहुत मुश्किल से बनेंगे, लेकिन इस स्कोर को लेके गए 182 तक। 4 विकेट मिले हरदीप सिंह को, बाकी 2 विकेट मिले हर्षल पटेल को। जिस तरह की शुरुआत ये सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स हैं, पहला ओवर मेडल था भुवनेश्वर कुमार का, अगला ओवर पैट कमिंस ने भी बहुत कमाल का दिया, उसमें पहला विकेट गिरा जॉनी बेस्टो का अगली ओवर में, फिर प्रभ सिमरन भी आउट हो गए, फिर शिखर धवन भी आउट हो गए और ये पूरी तरह से अंडर प्रेशर आ गए। 27-3 पे स्ट्रगल कर रहे थे 6 ओवर के बाद और पूरी तरह से कंट्रोल में थी सनराइजर्स हैदराबाद। सैम करन, सिकंदर रजा, जितेश शर्मा, इन लोगों को स्टार्ट जरूर मिला लेकिन ये कन्वर्ट नहीं कर पाए, मैच को फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की ये जोड़ी एक बार फिर असंभल हो गई। 67 चाहे थे 4 ओवर में, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा जिन्होंने पिछला मैच जिताया था पंजाब किंग्स को, वो दोनों साथ में थे और ऐसे एक बार फिर लग रहा था कि ये मैच को जिता पाएंगे। आखिरी के 2 ओवर्स में चाहे थे 39 रन, वहां पे जो टीम नटराजन का ओवर था बहुत ही ज्यादा अच्छा था जिसमें सिर्फ 10 रन आए, आखिरी ओवर में चाहे थे 29 रन, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इजी विन हो जाएगी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले बॉल के ऊपर 6 लगा, 3 कैचेस ड्रॉप हुए इस टोटल ओवर में, बहुत सारे वाइड्स हुए, उसके बाद 6 लगा, उसके बाद 2 डबल चाहे 2 बॉल के ऊपर, 11 चाहे थे 2 बॉल में, बाउंड्री की जरूरत थी वहां पे वाइड आया, 10 चाहे थे 2 बॉल में और वहां पे सिर्फ सिंगल आया और वो जो सिंगल था वहां पे भी कैच ड्रॉप हुआ था। 9 चाहे थे आखिरी बॉल पे, वहां पे 6 लगा, शशांक सिंह ने वो 6 जरूर लगाए, 3 रन से यहाँ पे पीछे रह गए और 2 रन से जीती है सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया नीतीश रेड्डी को उसके कमाल के इनिंग्स के लिए।